आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और जहां प्रदेश सरकार गांव में भी शहर का विकास करने का दावा करती दिखाई देती है, वहीं पलवल की ऐसी कई कॉलोनी है जिसमें रहने वाले लोग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये लोग कॉलोनी के हालातों से इतने परेशान हो चुके हैं कि वे वापस अपने गांव जाने को भी तैयार हैं। जी हाँ, ऐसे में प्रदेश सरकार का विकास का दावा दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परेशान कॉलोनी वासी सरकार और विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी करती हुई दिखाई दे रही है। रमेश, कौन सी कॉलोनी में रहते हो? क्या भाटिया कॉलोनी? कौन सा वार्ड है? 11। क्या समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है भैया, कहीं कोई चीवर, कोई सड़क, कोई कुछ भी ना, पानी भरे पड़े, अपनी हाथ मट्टी गिरवा रहे। कितने साल? बालक गिरवा रहे, 9 साल हो गए। पार्षद कौन है? पार्षद है वो भी है कैंप में। दी शिकायत आपने? शिकायत भी करी, उन्हें कहे सरकार भूखी मर रही है। कौन कह रहा है? वही कहे, वो भी सरकार पैसा ही ना दे रही, सरकारी भूखी मर रही है, हमें तो भूखी सी लग रही सरकार। हमें जब कुछ कर ही ना रही तो भैया, कुछ भी ना कर रही, कुछ भी हो तो खड्डे में पड़े। नाम है जी आपका? मेरा नाम तो दिव्या है। क्या समस्या दिव्या जी? भाई साहब, ये समस्या है, हमारी कॉलोनी में ना तो पानी की सुविधा है, ना सीवर लाइन पड़ी है, खाली प्लॉट पड़े, उन्हें कोई बनवा नहीं रहा, वहाँ पानी भरा पड़ा, दुनिया भर की मच्छर हो रही है। शिकायत कहाँ कहाँ दे दी आपने? शिकायत हमने मंगला के पास दी थी। क्या विधायक साहब ने कहा? कुछ नहीं कहा उनसे, कोई वो आता ही नहीं है, कोई भी देखने यहाँ पे। पार्षद को भी दी शिकायत? पार्षद को भी दी शिकायत। क्या जवाब मिला? जी कोई जवाब नहीं मिला, यहाँ कोई आता ही नहीं भाई साहब। कितने साल से ये समस्या है? ये सब नाम है जी? बबीता। बबीता, क्या समस्या है? कौन सा वार्ड है? पानी के 11 नंबर वार्ड है जी। क्या समस्या आ रही है? समस्या जी मट्टी अपने पैसों से गिरवा रहे, लिगड़ना रास्ता कत बंद है, स्कूल के बच्चे इनके इलाक भी दिक्कत बन रही है, ना तो कोई सवारी आती है, ना कोई दिक्कत है, भैंस फंसती खड्डे में, पानी निकालने नहीं करते भी। शिकायत किस किस को दिया आपने? मंगला के पास भी है जी, कई दो तीन भैया बुला भी लिए और कत्ती सुनाई नहीं करते, कहते हमारे पास अभी। कौन